डियर व्यूवर्स, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो वो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और साथ में जो बेल का निशान है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं MLT हब विद कामरान। कैसे हैं डियर व्यूवर्स, उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है काजेज ऑफ एपिथीलियल सेल्स इन यूरिन। वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से एपिथीलियल सेल्स यूरिन में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और आते हैं। वक्त ज़ाया नहीं करते, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। एपिथीलियल सेल्स हमारे जिस्म की जितनी सतह होती हैं उस पर ये मौजूद होते हैं, हमारी रगों में, हमारी जिल्द पर, यूरिनरी ट्रैक्ट में और ऐसे कई सारे और ऑर्गन्स हैं जहां पर एपिथीलियल सेल्स सतहों पर मौजूद होते हैं। चाहे मर्द हो या खातून हो, अगर उसके यूरिन में एपिथीलियल सेल्स बहुत ज़्यादा आएंगे तो इसका मतलब है कि इन्हें कोई ना कोई बीमारी ज़रूर लाहक है। एपिथीलियल सेल्स हमारे जिस्म के जिन सतहों पर भी मौजूद होते हैं तो ये वहाँ पर एक हिफाजती पर्दे के तौर पर काम करते हैं और वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दाखिले को रोकते हैं। बात करते हैं कि यूरिन के माइक्रोस्कोपी में नॉर्मल एपिथीलियल सेल कितने होने चाहिए। तो अगर मर्द हैं तो उनमें 2 से 3 एपिथीलियल सेल्स अगर आते हैं तो ये नॉर्मल है। अगर ख्वातीन हैं तो उनमें 2 से लेकर 5 एपिथीलियल सेल्स तक ये नॉर्मल होता है। अभी बात करते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से पेशाब में, उसकी माइक्रोस्कोपी में एपिथीलियल सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है। तो पहली वजह है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है। दूसरी वजह है यीस्ट इन्फेक्शन, जो कि ज़्यादातर ख्वातीन में होता है और ये एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके अलावा किडनी की बीमारियों में, लिवर की बीमारियों में भी ये यूरिन में बहुत बड़ी तादाद में आते हैं। डायबिटीज़ में या मर्दों में जब प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत बड़ा हो जाता है साइज़ में, इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी नॉर्मल तौर पर जो एपिथीलियल सेल हैं वो आते हैं। अभी बात करते हैं कि एपिथीलियल सेल की रिपोर्टिंग कैसी की जाती है लेबॉरेटरी में, और अगर रिपोर्ट में ये लिखा होगा तो आप इससे क्या समझेंगे। अगर रिपोर्टिंग में फ्यू एपिथीलियल सेल्स लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये रिपोर्ट नॉर्मल है और कोई भी मसला नहीं है। अगर रिपोर्ट में मैनी लिखा गया है तो ये एबनॉर्मल है और इसका मतलब है कि जिस्म में कोई बीमारी है। अगर टू मैनी लिखा गया है तो ये भी एबनॉर्मल है और इसका भी मतलब है कि जिस्म में कोई बीमारी है। मॉडरेट अगर लिखा गया है तो इसका भी मतलब है कि ये नॉर्मल नहीं है और जिस्म में कोई बीमारी है। और अगर न्यूमरस भी लिखा गया है तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल नहीं है और जिस्म में ज़रूर कोई बीमारी मौजूद है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया MLT हब विद कामरान देखने के लिए। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल MLT हब विद कामरान को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।